हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स मैजिक वैंड इन इलस्ट्रेटर। इस सेशन में हम मैजिक वैंड टूल का यूज़ एंड उसके सभी ऑप्शंस को जानेंगे। जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाते हैं और फिर डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद अगर उसमें से हमें सेम कलर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं जो कि नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, उनको सेलेक्ट करना है और कलर चेंज करना है, तो ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको आसानी से सेलेक्ट करने के लिए हम मैजिक वैंड टूल का यूज़ करते हैं। मैजिक वैंड टूल से हम सेम कलर एंड सिमिलर टोन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट की Y है। अब रेड कलर ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, अब डिज़ाइन में जहाँ भी रेड कलर ऑब्जेक्ट्स होंगे सभी सेलेक्ट हो गए। अब इसका कलर चेंज करके हमने पिंक कलर अप्लाई कर दिया। और अब सारे लीफ सेलेक्ट करके ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया। इसी तरह से सेम कलर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइंस को हमने लॉक कर दिया। लॉक्ड ऑब्जेक्ट पर मैजिक वैंड वर्क नहीं करेगा। अब हमने कुछ रेक्टेंगल्स क्रिएट किए और इसमें अलग अलग अपीयरेंस अप्लाई किया। मैजिक वैंड टूल पर डबल क्लिक करके टूल प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिल कलर। इसमें टॉलरेंस ऑप्शन रेंज के लिए होता है। टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा होगी तो सिमिलर टोन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेगा, और अगर टॉलरेंस वैल्यू कम होगी तब सिंगल टोन ही सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक कलर। इसको ऑन करने पर सेम कलर स्ट्रोक ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक वेट। इससे सेम स्ट्रोक थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी। इसको सेलेक्ट करने पर सेम ओपेसिटी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेगा। लास्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड्स। इससे सेम ब्लेंडिंग मोड वाले ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेगा। You are